कभी कभी दया आता है लोगों पे, सब कुछ परमात्मा ने दिया, धन संपत्ति गाड़ी बंगला मान शान पद पोजिशन, लेकिन जीने की जो हालत है बहुत नरकी है। रोज टेंशन, रोज तनाव, रोज लड़ाई, रोज झगड़ा, रोज खींचातान, रोज सुबह शाम, कभी चैन है ही नहीं। तो ये सारी चीजें किसकी है? ये सारी चीजें किसकी है? आप सोचो तो आप कितने भाग्यशाली है समझते हैं, क्योंकि आपको टेक्निक मालूम है, रास्ता मालूम है, आपको दिशा मालूम है, मार्गदर्शन मालूम है। अगर हमें मालूम है, हम हजारों को लाखों को लगातार प्रयास करके ये रास्ता दिखाना चाहिए, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम। मैं एक छोटी सी बात पूरा करना चाहूँगा। जब हम लोग ज्ञान में आए थे, लोग हमको प्रदर्शनी लगाने नहीं देते थे, लोग हमको बुलाना नहीं चाहते थे, पूरा ब्रह्मा कुमार कुमारी के प्रति नेगेटिव वातावरण, ये लोग क्रिश्चियन हैं, तिलक नहीं लगाते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, भगवान को सर्वव्यापी नहीं मानते हैं, ये भाई भाई बनाते हैं, सारा नेगेटिव पूरी समाज में भरा हुआ था। कई बार हम लोगों को प्रदर्शनी उगाड़ देते थे, लगाने नहीं देते थे, गाली देते थे, ये हम लोगों ने देखा। देखिए थोड़ा सा आप समझो, बाबा के ज्ञान, भाई जी की एक्सप्लेनेशन से, समझाने से आपको बहुत महीन महीन बातें मिलता जा रहा है, ठीक है ना? बाबा कहते थे साकार में, अव्यक्त में, बच्चे एक दिन आएगा, आपको लोग बुलाएंगे, आपको लोग अपने मंच पे बुलाएंगे, अपने स्टेज पे बुलाएंगे, अपने कंपनी पे बुलाएंगे मार्गदर्शन के। एक समय था हमारा पिंडाल काटते थे, हमको घर नहीं देते थे, शंद्र बनाने नहीं देते थे। अब बाबा आज से 40-50 साल पहले आपको बुलाते थे, आज का क्या स्थिति आप देखो, सभी लोग, जितनी कंपनियां हैं, एजेंसी है, जितनी संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इवन एक छोटा सा स्कूल से लेके यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन तक हमको आपको निमंत्रण मिलता है, आप आइए हमारे लोगों को मार्गदर्शित करिए, ताली तो बजाओ, आप कहाँ से कहाँ पाएंगे। वो समय समाज में आपका अस्तित्व नहीं था, लोग इतनी उस नजर से देखते थे। मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ हमारे बहने जाते, लगातार जाते हैं स्पीचेस करने के लिए, जितनी यहाँ पर IIT है, अरमाफुर फैक्ट्री है, यूनिवर्सिटी है, ट्रेनिंग सेंटर है, रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है, सब जगह लगातार उन्हें बुलाते रहते हैं, जो हम लोग जा नहीं पाते। इसका एक ही कारण समझ लो, इस दुनिया में सही दिशा आज तक किसी को मिल नहीं पा। जीने का व्यवस्था, कर्म का व्यवस्था, संकल्पों का ठिकाना, बुद्धि का स्थिरता, संस्कार का परिवर्तन, ये टेक्निक नहीं मिल पा। इसीलिए शास्त्रों में कहानियों से हम उलझते गए, उलझते गए, उलझते गए, आज भी हम उलझे हुए। आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जाइए, कलीग्स के यहाँ जाइए, फ्रेंड्स के यहाँ जाइए, संबंधियों के यहाँ बैठिए, किसी से बात करिए, वो क्या सुनाएंगे आपको? सुख शांति के संदेश देते हैं, दुख और परेशानियों के बातें बताते हैं। हमेशा सुख शांति के समाचार किसको मिलते, थोड़ा हाथ उठाइए, एक भी नहीं। तो समझ लो हम कितने भाग्यशाली हैं, इतना अच्छा बाबा ने हमको ज्ञान मार्ग में, हम आपको बता रहे हैं बहुत सी बातें बताए नहीं बताता है, मौका भी नहीं मिलता है। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर कहते हैं आप हमको कुछ सिलेबस बना के दे दीजिए, हम अपनी यूनिवर्सिटी में इसके वैल्यू एजुकेशन को इन्वॉल्व करा के बच्चों को पढ़ाएंगे। और कहीं यूनिवर्सिटी में, जैसे अन्नामला यूनिवर्सिटी है, गुजरात साउथ यूनिवर्सिटी है, कर्नाटका यूनिवर्सिटी है, अडॉप्ट किया है। तो जो हम लोग सालों से, हजारों सालों से जिस चीज के लिए ढूंढ रहे थे, उसको कहते हैं मिसिंग डायमेंशन इन लाइफ। एक ऐसा कमी रहा जीवन में
ऐसा चीज एक मिस था, जिस एक मिस होने से हम सब मिस हो गए, हम सब मिस हो गए, खो गए माया की दुनिया।